भाई हो रहा है भाई, क्या ही दिखने ब्रो, ये क्या दिख रहा है पोकेमॉन। और ये केओस लेजर को देखो भाई, लिटरली दो दो अटैक्स भाई, देखो भाई लिटरली डिवाइन डिजास्टर को देखो एक बार। चलो आ जाओ भाई, लीथल लेजर एक और बार हर जगह से गाइस लेजर पड़ते हुए। पिछले कुछ एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि हमें कैसे इवॉल्व करने की ट्रिक पता चली, और उसके बाद ही तुरंत हम लोगों ने हमारे फेवरेट पोकेमॉन जेट्रा ड्रैगन को इवॉल्व किया, जो कि पहले कुछ ऐसा दिखता था और अब ये ऐसा दिखता है। उसके अलावा हमारी बेलिनो लिब्रो को भी हम लोगों ने इवॉल्व करके एक डार्क बेलिनियर बना दिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में भाई शैडो बिग को इवॉल्व करो ये पूरा भर दिया था, तो आप लोग की बात कैसे अनदेखा करूं। आज के एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं शैडो बिग को इवॉल्व, और देखने वाले हैं कि कैसा पोकेमोन ये बन जाता है। बाकी थोड़ी सी दिल की बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच एवरीवन मेरे सारे पावरफुल वीडियोस देखने के लिए, मेरी सारी नौटंकी झेलने के लिए, एंड आई होप मेरे वीडियोस के थ्रू मैं आप लोग के दिन में थोड़ी सी खुशी ला पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हम लोग बहुत ज्यादा करीब है 90,000 सब्सक्राइबर्स के, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं करा ऐसा लाल कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर मारो और सब्सक्राइब बटन दबा दो। सो लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड, लेट्स गो। All right, boys and girls, welcome back to a brand new episode. आज के इस एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं हमारे शैडो बीक को इवॉल्व, एंड आप लोगों के सामने है हमारा शैडो बीक। कितना भोला भाला, कितनी मेहनत से पकड़ा था हम लोगों ने शैडो बीक को, बहुत ही ज्यादा रेयर। इनफैक्ट ये पूरे के पूरे पाल वर्ल्ड के किसी भी मैप में ये बॉस पोकेमॉन नहीं है, ये हमें मिलता है तो सिर्फ ये वाले आइलैंड पे मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल मिलिट्री आइलैंड है। तो भाई वहां से उठाकर लेकर आया हूँ मैं शैडो बीक को। चलो बेटा आज आपको इवॉल्व करना है, बट इवॉल्व करने से पहले एज यू गाइज नो द ड्रिल, लास्ट वाले एपिसोड में हमें ट्रिक पता चली कि हम लोग को पूरे मैप में जितने भी ब्लैक मार्केटियर हैं उसमें से किसी दो ब्लैक मार्केटियर को हमें देना है डायमंड, सो दैट वो ये ट्रिक को एक्टिवेट कर दे। एंड डायमंड कहां से मिलता है? फ्रोस्टालियन को मार के। तो चलो भाई फ्रोस्टालियन की तरफ। भाई मैं तो बता रहा हूँ हर एक एपिसोड में बेचारा फ्रोस्टालियन परेशान हो जाता होगा कि भाई क्यों मार रहे हो मुझे, क्या कर दिया मैंने बुरा अचानक से, इतने टाइम बाद बड़े बड़े पोकेमॉन लेकर मुझे मारने क्यों आ रहे हो, ऐसा सोच रहा होगा। बट लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने फ्रोस्टालियन को इसीलिए मारा था क्योंकि हमें जेट्रा ड्रैगन को इवॉल्व करके डार्क जेट्रा ड्रैगन बनाना था। एंड आज के इस एपिसोड में हम पूरा का पूरा इवॉल्व जेट्रा ड्रैगन ही लेकर आ चुके हैं। ये रहा देखो फ्रोस्टालियन पर 55 लेवल का, बट आई डोंट थिंक गाइस कि एक अटैक भी ये सहने वाला है। सबसे पहले तो हमें ये क्या है, हॉर्न्स ऑफ सुप्रीमेसी, क्या है ब्रो व्हाट। लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग ने ब्लाजम उतरी अल्ट्रा को मारा था, तब से हमें ये हॉर्न मिल चुके हैं ब्रो, कितने कूल लग रहे हैं यार ये। चलो बढ़िया इसको पहन लगते हैं। यार हमें देखो इतना तो पता है कि फ्रोस्टालियन एक आइस टाइप पोकेमॉन है, और आइस टाइप पोकेमॉन को सबसे ज्यादा डैमेज एक फायर टाइप अटैक देता है, और हमारे जेट्रा ड्रैगन के पास दोनों के दोनों अटैक्स हैं, बहुत ही तगड़े फ्लेम फनल फायर टाइप अटैक्स, वोल्केनिक रेन फ्लेम वॉल, और ये कौन सा है भाई, गुड ओल्ड फायर बॉल। भाई ये ओजी अटैक तो रहना ही चाहिए भाई, हालांकि कितना भी इवॉल्व हो जाए हमारा जेट्रा ड्रैगन मैं हमेशा फायर बॉल तो रखने ही वाला हूँ। हमारी सारी एबिलिटीज यहाँ पर अभी देखो लोड हो रही है, अभी चेंज करें ना इसीलिए। तब तक एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पिछले कुछ एपिसोड में हम लोग ने बेलिनो और लिब्रो को भी इवॉल्व होते देखा, और ये है हमारी करंट डार्क बेलिनो और लिब्रो, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट उससे भी ज्यादा पावरफुल हमारा ये वाला जेट्रा ड्रैगन है भाई, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन इन पाल वर्ल्ड। ये रहा हमारा वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का खिताब तो मिल चुका है, बट ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पोकेमॉन नहीं है, क्यों पता है? ये देखो अभी जस्ट मेरे बाजू में था, मेरे को इसके ऊपर बैठना था तो मैंने उसको बुलाया है, ठीक है। अभी देखो मैंने इसको बुलाता हूँ, ठीक है, मैं राइड पे क्लिक करूंगा तो इसको यहीं से उड़ के मेरे पास आ जाना चाहिए ना। अब ये देखना, ये देखो राइड करने बुलाया तो ये भाई हमारे पूरा गोल चक्कर लगा कर आ रहे हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन तो है, बट वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पोकेमॉन नहीं लग रहा ये मुझे। क्या रे पागल है भाई, एक नंबर का। खैर चलो भाई चलते हैं, हमारे फ्रोस्टालियन कहां चला गया भाई? फ्रोस्टालियन देखो यहां पर छुप के बैठा हुआ है भाई, इसकी तो बैंड बजाने वाले हम लोग। चलो भाई सबसे पहले द गुड ओल्ड फायरबॉल से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से सिर्फ एक अटैक में ये मर जाना चाहिए, बिकॉज दिस डार्क जेट्रा ड्रैगन इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन इन पाल वर्ल्ड। चलो भाई फायर बॉल एंड बूम। व्हाट भाई इसके अटैक्स को क्या हो गया यार, फ्लेम बॉल डालते हैं, आ जाओ। ओ तेरी भाई आग लगी ना, इसको बोलते हैं बेटा भाई जेट्रा। अच्छा इसके शायद ड्रैगन टाइप अटैक्स बहुत पावरफुल है, ये फायर टाइप अटैक अभी जस्ट मैंने चेंज करे ना, इस वजह से थोड़ा सा ये ना ढीला पड़ गया है गाइस, और कुछ नहीं।
चलो भाई फ्लेम फनल ये देखो भाई, बड़े बड़े अटैक जा रहे हैं। अरे तेरी, अरे भाई साहब, अरे बैंड बज गई बेचारे की भाई, देखो एक बार। आ चल बेटा ये सब नहीं चलेगा अब, कल आना। आ जाओ रॉकेट वॉकेट देखते जरा क्या चल रहा है। ओ भाई कैसे काम करते हैं, सारे रॉकेट छोड़ते हैं और देखते हैं कितनी एचपी कम कर पाते हैं भाई। ऑलराइट 9200 है ठीक है, सारे रॉकेट छोड़ दिए मैंने इसके ऊपर गाइस। अरे तेरी भाई, ओ भाई 9000 से लेकर 7000 तक आ चुके हैं गाइस। एक और फायरबॉल आ चुका है, चल भाई फायरबॉल लेट्स गो। बूम यार अलग अलग तरकीबें अपना रहा हूं भाई, फ्रॉस्टलैंड से मार फाइट करने में बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा है मुझे। आ जाओ भाई फ्लेम फनल एक और बार यूज करते हैं, मारो भाई ये फ्लेम फनल इसके ऊपर। भाई ये देखो बेचारा खड़ा है यार, कितना बुरा लग रहा है इसके लिए मुझे। चलो भाई एक फ्लेम वॉल और डाल देते हैं एंड ये खत्म कर देंगे इस चीजें अभी। चलो भाई एंड लास्ट हिट खत्म। चलो भाई हमें डायमंड दे दो, हमारे डायमंड कहाँ हैं, बढ़िया। चलो एक डायमंड मिल चुका है हमें आज के दिन का, ये रहे हमारे डायमंड और 5 रूबीज भी मिले। अभी सिर्फ एक डायमंड और हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करेगा ना, फटाफट जाने का अपने बेस पे, सो जाने का, कल सुबह वापस यहाँ पर आने का और इसको फिनिश कर देने का। सिंपल है भाई एकदम, देने का होने का कैसी कैसी बात है, लैंग्वेज कैसी कर रहा हूँ भाई, व्हाट इज दिस लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज है गाइस। ये रहा भाई फास्ट ट्रैवल मिल नहीं रहा था मुझे, बोलो। चलो भाई फास्ट ट्रैवल करके चलते हैं बेस पे फटाफट। मैं तो कहता हूँ यार अपना है ना पूरा का पूरा ये खाली करना पड़ेगा मुझे यार, इतनी सारी इन्वेंट्री भरी हुई ना मेरी, सिर्फ डायमंड रखते हैं गाइस अभी फिलहाल अपने पास ठीक है, बाकी सारी चीजें हटा देंगे। चलो भाई आ जाओ डायमंड को इधर साइड में रखते हैं, बाकी सारी चीजें यहाँ पर खाली कर देते हैं। याद रखना है भाई ब्लाज़म उत्रियु के स्लैब में इधर रख रहा हूँ भाई, वरना दिक्कत आ जाएगी गाइस कहीं भी है ना। यहाँ देखो इतने सारे लोटस वोटस मिल रहे हैं हमें, इन सब की जरूरत नहीं है हमें, बट हमारे को एक डायमंड मिल चुका है, अब एक और डायमंड चाहिए। चलो इन्वेंटरी खाली कर लिए, अब सोने जाते हैं और फिर चलते हैं वापस फ्रॉस्टालियन को मारने के लिए। मिलता हूं मैं सीधा फ्रॉस्टालियन के पास। आज भाई इस बार एक काम करते हैं, हमारे शैडो बिग को यूज करते हैं फ्रॉस्टालियन को मारने के लिए ठीक है, लेट्स गो। भाई ये फ्रॉस्टालियन को ढूंढना पड़ेगा भाई, शैडो बिग को देखो यार, ये ऐसे भी बहुत सुंदर दिख ही रहा है ऑटोमेटिकली, बट भाई जब ये इवॉल्व होगा ना तब क्या ही दिखने वाला है यार, मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोग को। अबे ये फ्रॉस्टालियन कहाँ है भाई, एक मिनट। ओके ये रहा फ्रॉस्टालियन भाई, 28,000 HP हो गई भाई ये लोग तो, भाई क्या है भाई, थोड़ा मैंने ढीला छोड़ दिया तो भाई अच्छे अच्छे पोकेमॉन लेकर आ रहे हैं। आज डिवाइन डिजास्टर करते हैं सबसे पहले तो, बूम भाई ये देखना। अरे धड़ा धड़ पड़ने लगी भाई, अरे यार ये पत्थर बीच में आ गया रे। आ जाओ भाई नाइटमेयर बॉल डालते हैं इसके ऊपर, अरे मिस कर दिया मैंने ना, बच गए भाई बच गए बच गए बच गए। चलो भाई डार्क लेजर का टाइम आ चुका है, अब ये डार्क लेजर देखो एक बार भाई, ये शैडो बिग का आप देख लो गाइस अभी आपके सामने है ये कितना पावरफुल है ठीक है, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट शैडो बिग है गाइस हमारे पास, और ये डैमेज देखो सिर्फ 2-2, 3-3 दे रहा है, बट हम लोग इसको इवॉल्व करने वाले हैं गाइस ठीक है, तब मेन है, बट ये वाला अटैक यार मेरा फेवरेट है। और ये देखो भाई धड़ा धड़ धड़ा धड़ मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है, बट गाइस फिलहाल फ्रॉस्टालियन के सामने उड़ जाओ भाई, मर जाएंगे अभी दोनों। अबे फ्रॉस्टालियन का सर एकदम हो गया, चलो भाई आ जाओ थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं फ्रॉस्टालियन के साथ, आ जाओ फायर बॉल मारते हैं। भाई साहब देखो भाई फ्रॉस्टालियन को मारने में जो मजे आ रहे हैं ना मुझे तो, फ्लेम वॉल 1000 का डैमेज और आग लग गई वो अलग। चलो भाई फ्लेम फनल मारते हैं, अभी सारे बॉल्स अपने आप जाएंगे भाई, लुक एट दिस, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है भाई मुझे, अगर सोचो मैंने कुछ हार्डकोर कर दिया तो भाई बैंड बज जाएगी इसकी, इसको खड़ा ही नहीं होने दूंगा मैं, देखना गाइस अटैक ही नहीं करने दूंगा मैं इसको। अरे यार इतना बुरा लग रहा है गाइस देख रहे हो। चलो भाई फ्लेम फनल वापस करते हैं, खत्म है भाई तुम बेटा, कल आना अभी तुम्हारे साथ, तुम्हारे कुछ नहीं हो सकता अब यार, कुछ भी नहीं, तेरे अटैक स्लो हो चुके हैं फ्रॉस्टालियन। ब्रो अटैक स्लो होने से मुझे याद आया, हम लोग शैडो बिग कर रहे हैं गाइस, आप लोगों ने फ्रॉस्टालियन क्यों नहीं बोला भाई, फ्रॉस्टालियन को भी तो इवॉल्व कर सकते ही होंगे गाइस, कैसे ना कैसे कुछ तो होता ही होगा फ्रॉस्टालियन का इवॉल्व रूप है ना गाइस। कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस को फ्रॉस्टालियन का इवॉल्व देखना है नेक्स्ट वाले एपिसोड में, भाई हम लोग वो भी करेंगे गाइस, आप लोगों के लिए फ्रॉस्टालियन को इवॉल्व करेंगे, और कोई भी पोकेमॉन अगर आप लोग को चाहिए कि इवॉल्व करो भाई तो हम लोग कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बट यहाँ पर देखो भाई फिलहाल तो ये वाला फ्रॉस्टालियन मार खा रहा है गाइस बेचारा फ्रॉस्टालियन। चलो भाई लास्ट फाइनल अटैक्स एंड आई विल सी यू विद अ डायमंड एंड अ ब्लैक मार्केटियर। चलो भाई इसको खत्म करते हैं,
हमारा डायमंड लेते हैं, हमारे पास एक डायमंड है, अब मेरे पास दो डायमंड हो जाएंगे। चलो भाई दो डायमंड आ चुके हैं, अब चलते हैं हम अपने घर पे दोनों के दोनों ब्लैक मार्केटर को ढूंढने के लिए। एंड आज मैं सोच रहा हूँ ना कोई अच्छे वाले ब्लैक मार्केटर को देता हूँ डायमंड, सो दैट वो हमारा शैडो बिक को इवॉल्व इतना बढ़िया तरीके से करे ना कि मजे आ जाए, है ना। एंड आज क्या करेंगे ना हम लोग शैडो बिक को इवॉल्व करने के बाद ना गाइस यहीं पर लेकर आएंगे फ्रॉस्ट आइलैंड के पास, सो दैट हमारी शैडो बिक की टेस्टिंग भी हो जाए और फ्रॉस्ट आइलैंड के डायमंड भी मिल जाए हमें नेक्स्ट इवॉल्व के लिए, है ना। चलो भाई फिलहाल तो चलते हैं अभी अपने ब्लैक मार्केटर्स के पास। गाइस यहाँ पर अभी देखने तो इधर का ब्लैक मार्केटर चलते हैं गाइस। रुको देखो गाइस यहाँ पर हम लोग ने जो ये लोटस मार्क करा ना, यहाँ पर एक ब्लैक मार्केटर है, यहाँ वाला हमें ब्लैक मार्केटर पकड़ना है, इस वाले ब्लैक मार्केटर के पास जाना है हमें और इसको हमें डायमंड देना है, ठीक है। ब्लैक मार्केटर यही कहीं होगा पहाड़ी, ब्लैक मार्केटर ये रहा ना, सॉर्टेड है। भाई एक मिनट ना, मेरा झटरा ड्रैगन को मैं दूर रखूंगा। भाई ये झटरा ड्रैगन पता है ये इसको एनिमी डिटेक्ट करता है और मारता है भाई, रुको मारना नहीं है। अब इधर आ जा, अबे झटरा ड्रैगन फंस गया है ऊपर भाई, हेलो इधर आ भाई, झटरा ड्रैगन नीचे जा, इधर घूम, मस्त घूम तू अपने हिसाब। ये देखो ये देखो, मैंने बोला ना ये स्मार्टेस्ट नहीं है भाई, ये उड़ के मेरे पास नहीं आ सकता, मैं इसके ऊपर बैठना चाहता हूँ, बट ये देखो कितना घूम के आ रहा है भाई, ये देखो अभी तक नहीं पहुंचा है मेरे पास। कहाँ हो भाई झटरा ड्रैगन, तुम इतना घूम के आया है वो, लिटरली कहाँ कहाँ घूम के आया होगा ये भाई। खैर भाई आ जाओ, हमारे ब्लैक मार्केटर यहाँ पर हमारे सामने है, इनका एक डायमंड हमें इनको दे देना है। एक काम करते हैं इस बार है ना थोड़े बहुत प्रेशियस एंट्रेल्स भी दे देते हैं, चार दे देते हैं इसको, ठीक है। चलो भाई ड्रॉप इधर भी और इसको भी ड्रॉप कर देते हैं। ऑल राइट ब्लैक मार्केटर ये रहा आपका दहेज, एक्सेप्ट करो प्लीज। ओए नाइस भाई, बढ़िया भाई ब्लैक मार्केटर ने ले लिया। चलो भाई मिलते हैं तुम्हारे भाई के पास, जाके आता हूँ, उनको भी थोड़ी घूस देनी है हमें। आजकल ब्लैक मार्केटर को हमें घूस देनी पड़ रही है, कैन यू इमेजिन गाइस, कैन यू इमेजिन कैसे दिन आ गए भाई, इनको घूस देनी पड़ रही है। आ जाओ और कौन से ब्लैक मार्केटर मैंने मार्क करके रखे हैं, एक यहाँ पर भी ब्लैक मार्केटर है, चलते हैं आज देखते हैं वहां जाके क्या होता है। ओ ये तो मेरा पुराना बेस है जहाँ पर हम लोग बीच में पोकेमोन डालते थे और यहाँ पर बहुत सारे अनुबिस उसको मारते थे, बट अब तो भाई मैंने सुना है अनुबिस का भी एक इवॉल्व वर्जन आ चुका है जो कि है लुकारियो। गाइस कैन यू इमेजिन अगर हम यहाँ पर हर जगह पर एक एक लुकारियो डालेंगे तो कितना ज्यादा मजा आएगा भाई, पोकेमोन मार कोई भी पोकेमोन स्पॉन नहीं कर पाएगा। गाइस आज कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बहुत सारी चीजें बतानी है, ठीक है। पहली चीज कौन सा पोकेमोन हमें इवॉल्व करना चाहिए, दूसरी चीज लुकारियो इवॉल्व करके हम लोग ये वाला सेटअप वापस बनाए। अगर आपको नहीं पता इस सेटअप के बारे में तो यहाँ पर हर जगह पर है ना गाइस एक एक गन होती है, मतलब माउंटेड गन होती है, और उस माउंटेड गन पे बहुत सारे अनुबिस पकड़ के रहते हैं और भाई वो अरे 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 क्या हो गया भाई, अरे नहीं 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 गलती से मैंने तोड़ दिया अपना बेस ही तोड़ दिया, अरे भाई भाई गलती से क्लिक हो गया माफ। हाँ और उस वाले माउंटेड गन पे अनुबिस खड़े रहते हैं या फिर लुकारियो भी खड़े रह सकते हैं जैसे आप लोग बोलो, और फिर बीच में ये लोग सारे के सारे यहाँ पर पोकेमॉन जो भी आएगा उसको मारेंगे और कितने सेकंड में मारते हैं ये वाला चैलेंज था। तो अगर आप लोग को देखना है तो जरूर मुझे बताना, बट फिलहाल के लिए तो गाइस हम लोग यहाँ पर आए हैं एक ब्लैक मार्केटर को ढूंढने के लिए जो कि इस डायरेक्शन में कहीं तो है, इन झाड़ पत्तियों के बीच में कहीं पर ये छुपा होगा गाइस, यहीं पर होना। ओ ये रहा भाई ब्लैक मार्केटर खड़ा है भाई यहाँ पर, हेलो ब्लैक मार्केटर। ओ भाई ये तो विंड कटर वगैरह दे रहा है भाई, फ्रूट दे रहा है, थैंक यू यार भाई, इनको भी दहेज देना है, इनको भी घूस देना है हमें गाइस। ये देखो प्रेशियस एंट्रियल्स और डायमंड दोनों के दोनों गिरा दिए हैं, जरूर ले लो ब्लैक मार्केटियर, फटाफट ले लो। कहाँ गया भाई डायमंड, इसके नीचे छुपा हुआ है, देखो हाँ डायमंड है भाई यहाँ पर, टेंशन मत लेना ठीक है, ले लो। आय हाय बढ़िया भाई, इस वाले ब्लैक मार्केटर ने भी ले लिया है और अब बारी आ चुकी है उस चीज की जिसका हम सभी लोग बेइंतहा से वेट कर रहे थे। तो भाई आ जाते हैं अपने यहाँ पर न्यू वर्ल्ड के बेस पे। ओ यहाँ पर मीटियर स्ट्राइक थी, कहाँ गई ब्रो, हमें वेट करना पड़ेगा क्या अब दूसरे मीटियर आने का भाई। नहीं नहीं नहीं, ओ है भाई नसीब बच गए, मुझे लगा कि भाई ये मीटियर स्ट्राइक चली गई है कहीं पर, तो ओ वो रहा भाई, ये रहा ना भाई, मैं बेखामखा डर गया था भाई यहाँ पर मीटियर स्ट्राइक के भाई, इधर मैंने बना के रखा हुआ है भाई, टेंशन मत लो। ऑल राइट बॉयज आ चुके हैं हम यहाँ पर भाई, ए भाई जटरा ड्रैगन थोड़ा मुझे ना कवर देना ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पोकेमोन आ जाते हैं अचानक से, कमांड एग्रेसिवली भाई बढ़िया, शुभर उमर जो भी है सबको पेल डालना, पहले ही बता रहा हूँ। चलो भाई शैडो बिक हमारा हमारे पास है, आई विल मिस यू शैडो बिक भाई, देखो एक बार इसका स्टैट्स देखो गाइस, मैंने कितना ज्यादा मेहनत करा था, इसको 4 स्टार वगैरह भी करा, इसका सैडल वगैरह बनाया, सबसे बेस्ट अटैक दिए इसको, बट अनफॉर्चुनेटली सबसे बेस्ट पैसिव स्किल्स तो नहीं दे पाया, बट हमारे जटरा ड्रैगन भी इवॉल्व होने का और बहुत पावरफुल बन चुका था, एंड मेरे हिसाब से इवॉल्व करने की टेक्निक तो जरूर वर्क करेगी इसके ऊपर। तो चलो भाई शैडो बिक लव यू, मिलते हैं हम लोग इवॉल्व होके। ओ भाई शैडो बिक को देखो एक बार भाई, मस्त लग रहा है भाई, ऑलरेडी इतना अच्छा लग रहा है मुझे पता है। ओके नीचे, अबे तू खड़ा हो जा भाई एक जगह पर, तेरे में पावर कैसे आएगी भाई।
पानी वानी पीते हैं मस्त, तब तक ये शैडो पिक को थोड़ा आराम देते हैं अंदर, पता नहीं क्या हो रहा होगा उसके अंदर, मे बी अभी सारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म वगैरह हो रही होगी, कुछ तो हो रहा होगा। ब्रो ब्रो हमारा शैडो पिक फाइनली इवॉल्व हो रहा है ब्रो, देखो भाई कैसा चमक रहा है ये। तो भाई मुझे तो लग रहा है फुल ऑन फाड़ पोकेमोन आने वाला है गाइस, भाई हो रहा है भाई क्या ही दिखने, ब्रो ये क्या दिख रहा है पोकेमोन भाई, इसके पैर वगैरह देखो पूरे के पूरे नाखून चेंज हो गए हैं, व्हाट भाई जस्ट लुक एट दिस भाई, पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया है भाई, एक बार देखो इसको यार कितना ज्यादा लेजेंडरी लग रहा है ये भाई, फटाक से इसको अपनी टीम पे लेते हैं और इसके अटैक देखते हैं कि भाई कौन से हैं, इसका एबिलिटीज देखते हैं क्या क्या आई है, क्या कोई नया अटैक्स आए कि नहीं, बट दिखने में देखो भाई कितना ज्यादा सुंदर दिख रहा है ये यार, आ जाओ भाई इसको तो मैं चलाऊंगा भाई। ओ ब्रो भाई ये अब एक अल्ट्रा शैडो बीक बन चुका है, हाउ इज दिस पॉसिबल ब्रो लुक एट दिस भाई, भाई इवॉल्व के पहले इसको अगर आप देखे होंगे तो सिर्फ एक ब्लैक कलर का ये पोकेमोन पूरा हुआ करता था, एंड इसका जो रिंग है इसके कमर में जो फंसा हुआ है वो एक ब्लू कलर की रिंग थी, बट अब ऐसा लग रहा है गाइस इवॉल्व होने के बाद ये दोनों की दोनों चीजें गाइस, भाई कोई यहाँ पर वो पोकेमोन है चमकने वाला भाई, क्रॉन्जीरो चमकने वाला भाई, इसको तो लेंगे भाई, रुको लेजेंडरी स्फीयर में लेते हैं, आ जाओ भाई, ये क्रॉन्जीरो कितना पावरफुल है भाई, मेरी लेजर राइफल इसको कुछ भी नहीं कर रही है, लिटरली इतना टाइम नहीं लगता है क्रॉन्जीरो को मरने में भाई, ये भाई इसको तो पकड़ेंगे हम लोग लेजेंडरी स्पीयर में, ये बात अल्टीमेट स्पीयर पे गए भाई मैंने तेरा, और ये अल्टीमेट स्पीयर से बाहर निकल गया, हेलो कोई इज्जत है कि नहीं अल्टीमेट स्पीयर की, अबे नहीं भाई वेस्ट कर रहा हूं मैं, अल्ट्रा शैडो बिक से उतरने का मन नहीं कर रहा है मेरा भाई, शैडो बिक को गुस्सा ना आ जाए भाई कहीं पे, मैं बता रहा हूं, अरे 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 शैडो बिक को एक और लग गया ना भाई, मार खाएगा ये पता है, आजा चुपचाप आजा, ऑल राइट भाई एक क्रॉन्जीरो हम लोग ने पकड़ लिया है भाई, मजेदार मजेदार, और ये इतना ऊपर उड़ पा रहा है ब्रो भाई, ओ ये डिवाइन डिजास्टर भी सीख गया है, अबे डिवाइन डिजास्टर तो इसका खुद का अटैक है, इसके अटैक भी चेंज हुए हैं क्या, लीथल लेजर डिवाइन डिजास्टर 2 ब्लू रेज दैट ऑटोमेटिकली लोकेट्स एंड परस्यू द एनिमीज, भाई डिवाइन डिजास्टर 2 ये सीख गया, ये देखो डिवाइन डिजास्टर 1 एंड डिवाइन डिजास्टर 2 अब आ चुका है इसके पास भाई, लिटरली ऐसा लग रहा है कि जो रिंग इसके ब्लू कलर की कमर में फंसी हुई थी वो इन्फ्यूज हो चुकी है इवॉल्व होने के बाद, भाई आ जाओ भाई मजेदार भाई, सबसे पहली बात तो है ना गाइस मैं दिखाना चाहता हूं इन लोगों को भाई, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे ना गाइस, हमारे बेस पे चलेंगे और हमारे जो दो और इवॉल्व पोकेमॉन्स है ना गाइस उनसे मिलवाते हैं गाइस अल्ट्रा शैडो को, भाई यहाँ पर देखो भाई कितने सारे क्वेरी ने भाई, इनसे फाइट मत कर लेना भाई, अभी फिलहाल बेस पे चलते हैं गाइस, सारे पोकेमोन को मिलवाते हैं एक दूसरे से भाई, ऑल राइट भाई आप लोगों के सामने यहाँ पर मेरे तीनों के तीनों इवॉल्व पोकेमोन आ चुके हैं, लुक एट दिस डार्क बेलिनियर लीब्रो, डार्क जेट्रा ड्रैगन एंड वी हैव अ अल्ट्रा शैडो बीक फाइनली भाई, ये तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक पोकेमोन होने वाले हैं भाई, ये शैडो बीक को देखो भाई, इन्फिनाइट स्टैमिना, मोटिवेशनल लीडर, फिरोशियस और लॉर्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड, चलो भाई अंदर आ जाओ वापस, अल्ट्रा शैडो बीक मेरे भाई कितना ज्यादा शानदार लग रहा है यार, ये देखो इसके कान वान हिल रहे हैं भाई, ये सारी चीजें कब होने लगी भाई, ये एनिमेशन भी चेंज कर दिया इवॉल्व होने के बाद, मजेदार भाई अब बारी आती है गाइस कुछ फाइट्स करने की, तो अब हम लोग इसको लेकर जाने वाले हैं वहीं पर जहां पर ये मिलता है, जो कि है मैप में एकदम कोने में भाई, यहां पर ये रही वो गाइस जगह जहां पर शैडो बीक हमेशा रहते हैं, तो भाई दिखाते हैं वहां के पोकेमोन को कि एक इवॉल्व शैडो बीक कैसा दिखता है, अल्ट्रा शैडो बीक जिसका नाम है, आ चुके हैं हम लोग फिलहाल, तो गाइस शैडो बीक पे नहीं ट्रैवल कर सकता मैं क्योंकि वो अभी भी स्लो है, क्योंकि जेट्रा ड्रैगन को तो गाइस कौन ही हरा सकता है गाइस स्पीड में, नाम के अंदर ही भाई जेट है भाई जेट, वो चलो भाई जेट्रागन चलते हैं हमें लेकर, भाई कितने टाइम बाद मैं यहाँ पर आया हूँ भाई, होपफुली यहाँ पर कोई बढ़िया पोकेमोन मिल जाए अल्ट्रा शैडो बीक को दिखाने के लिए, चलो भाई देखते हैं कौन से पोकेमोन है, ओके ओर्सर क्या 41 लेवल का, और क्या क्या है भाई यहाँ पर, ओके फैंगलूप है यहाँ पर, इंसिनराम है, और कौन से पोकेमोन है, चलो एक काम करते हैं गाइस शैडो बीक वर्सेस ओर्सर करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई, इसी के जगह पर लेकर आया हूँ मैं ओर्सर को भाई, आ जाओ भाई, ओके ओर्सर की भाई ओर्सर ने भी मारा और हमारे शैडो बीक ने भी मारा, बट भाई शैडो बीक भाई जब ये अटैक करता है ये खुद को भी नहीं संभाल पाता भाई, खुद ऐसे पीछे चले जाता है
बट गाइस एक अटैक में 41 लेवल का ओरसर्क भाई देखो लुंगड़ू कर दिया भाई इसको तो। भाई आ जाओ इंसरनाम से भी फाइट लेते हैं। हाँ भाई इंसरनाम यारे, अरे 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 ये है क्या डिवाइन डिसेप्शन 2 भाई? ये रहे ब्रो डिवाइन डिजास्टर 2 कितना ज्यादा कूल लग रहा है देखने में। रुको गाइस इंसरनाम इस वाले में भी करते हैं। अरे ये क्या है भाई? ये डिवाइन डिजास्टर 2 ये वाला है तो वो वाला अटैक कौन सा था? लीथल लेजर था क्या भाई? ये भी कितना कूल है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि गाइस मैं कितना ज्यादा खुश हूँ भाई आज। ओके तो ये शायद लीथल होगी। हाँ ये लीथल लेजर है। ओके गॉट इट भाई एक अटैक में लिटरली सारे पोकेमॉन मर जा रहे हैं भाई, क्या है यार ये। भाई नीचे भी एक और फैंगलू पास चुका है गाइस, एक और बार डिवाइन डिजास्टर करना है मुझे ठीक है। ओ ब्लाजमुद भाई, ब्लाजमुद यहां पर आ गया तेरी तो। ब्लाजमुद डिवाइन डिजास्टर गाइस इधर एक और बार होने वाला है ठीक है। 3 2 1 डिवाइन डिजास्टर। रु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  मेरे साथ चलती है पूरी की पूरी रेज। व्हाट भाई यहाँ पर भी एक पोकेमोन को मारा, ब्लाजमुद को भी मार दिया और अभी एक अचानक से इंसनराम यहाँ पर स्पॉन हुआ था उसको भी मार दिया। और ये केओस लेजर को देखो भाई, लिटरली दो दो अटैक्स। ये केओस लेजर थोड़ा एकदम वो नहीं है गाइस, मतलब केओस लेजर थोड़ा एक्यूरेसी कम है या फिर शायद मैं चला नहीं पाया उसको अच्छे तरीके से। बट भाई लीथल लेजर और डिवाइन डिजास्टर भाई ये क्या अटैक्स है यार, मजेदार अटैक्स है गाइस। ये चेस्ट खोलते हैं, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली हमें कोई बेलिनियर का या फिर ब्लाजमुद रियू का कोई स्लैब का फ्रैगमेंट मिल जाए तो मजा आ जाए। ओह नाइस बेलिनियर लिब्रो का स्लैब फ्रैगमेंट मिला है, नॉट बैड नॉट बैड। चलो भाई आ जाओ डार्क जेट्रा ड्रैगन को बेल बैड। ऑल राइट बॉयज चलते हैं अब जेट्रा ड्रैगन के पास। भाई आ जाओ भाई, पूरा आईलैंड तो हम लोगों ने तबाह कर दिया। अब चलते हैं गाइस इस वाले टावर बॉस को मारने के लिए। जेट्रा ड्रैगन को मैं 10 सेकंड देता हूँ वहां तक पहुंचने के लिए ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 अबे जेट्रा ड्रैगन क्या हो गया तेरे को? 3 2 1 0.5 0.4 भाई 3-4 सेकंड ज्यादा लग गए पहुंचने में, कोई बात नहीं यार। जेट्रा ड्रैगन लिटरली भाई कहां से कहां तक आया है अबे। अरे अरे जेट्रा ड्रैगन आराम से भाई आराम से, लोग को पता नहीं तू कौन है भाई, बदल के आ गया ये जेट्रा ड्रैगन भाई। डार्क अरे ओ डार्क जेट्रा ड्रैगन भाई आराम से भाई, इनको पता नहीं है तू कहां से भाई कौन है, इनको पता भी नहीं होगा भाई यहां वाले पोकेमॉन्स को। तो चलते हैं गाइस हमारे अल्ट्रा शैडो बीक को टेस्ट करने के लिए इस वाले बॉस बैटल के साथ। भाई देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। भाई देखो एक बार भाई ये वाला बॉस जितनी अकड़ में आ रहा है ना, इसके पास जितना पावर है ना, इतने बड़े बड़े इसके सीआईडी ऑफिसर्स हैं इसके पास, बट ये सारा का सारा अकड़ अभी हम लोग निकालने वाले हैं इसका। कौन सा पोकेमोन है मुझे देखना है गाइस, आ जाओ। फलारिस है या ओरसर्क है, कौन सा पोकेमोन देखना है मुझे? एंड फलारिस है बेटा, खत्म है तू भाई खत्म है तू। डिवाइन डिजास्टर अकेला काफी है भाई तेरे लिए। हाँ यहाँ वहां उड़ के ही भागना पड़ेगा। हाँ 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 कर रहा है ना जो। इसकी बैंड बजाएंगे, रुको गाइस अभी रुको, इसकी बैंड बजाते हैं। अल्ट्रा शैडो भी दिखा दे ब्रो इसको, ब्रो देखो एक बार 800 का डैमेज दे रहा है, नॉट बैड नॉट बैड। अरे 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 भाई एक अटैक कैंसिल करवा दिया। ओ भाई डिवाइन डिजास्टर देखो भाई, डिवाइन डिजास्टर 2 था ये भाई लिटरली। ये देखो भाई और सर, अरे यार ये अल्ट्रा यार ये शैडो भी बेचारा वहां पर फंस गया है गाइस। यहाँ पर आते हैं आ जाओ, ओ तेरी ती मेरे को मार रहा है ये तो। आ जाओ गाइस अब हमारी बारी है अटैक करने को। अरे हेलो हाँ खा ले भाई अटैक कर ले अब मेरी बारी ठीक है। आ जाओ भाई पहले तो केओस लेजर करेंगे, बूम अभी लीथल लेजर करेंगे। आ जाओ लीथल लेजर भाई फटाफट लीथल लेजर। ओ भाई हर जगह से इसके ऊपर अटैक होने वाले हैं अभी, बूम भाई हेलो। डिवाइन डिजास्टर करते हैं आ जाओ गाइस भाई ये थोड़ा समझना पड़ेगा मुझे, नए अटैक्स के समझ में नहीं आ रहे हैं भाई। अबे आग लग चुकी है भाई हमारे अल्ट्रा शैडो बीक को। भाई ये देखो भाई लीथल लेजर आने वाली एक और बार, एंड आई गेस एक और अटैक उसके बाद हमारा यहाँ पर मैच का विनर। भाई देखो भाई लिटरली डिवाइन डिजास्टर को देखो एक बार। जेट्रा ड्रैगन के पास पता एक अटैक था, एक बीम अटैक्स करके तो ये पिंक कलर की बीम्स आती थी, वैसी ही सेम बीम्स हैं भाई ये वाली, बट इस बार ये बीम और भी ज्यादा ट्रेसेबल है, पूरी ट्रेस कर लेती भाई पोकेमॉन्स को। चलो भाई अब एक काम करते हैं गाइस इस वाले पोकेमॉन को चलते हैं मारने के लिए। यहाँ पर तो भाई मोस्ट प्रोबेबली कोई बहुत ही हैवी पोकेमॉन होगा, और ये पोकेमॉन नहीं भाई जिम ट्रेनर्स हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन्स इन पाल वर्ल्ड हैं, इनको अब हराने जाने वाले हैं हम लोग बॉयज। चलो भाई आ जाओ अल्ट्रा ओरसर की प्रॉपर तरीके से खातिरदारी होना भाई अच्छे तरीके से।
चलो भाई, ब्रदर्स ऑफ इटर्नल पायरिन को मारने जा रहे हैं हम अभी गाइस। बांसुरी बजा रहे भाई, ये तो इलेक्ट्रिक है भाई, और सर्क है भाई, पक्का और सर्क है। ओरसर्क वर्सेस शैडो बीक, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रैगन पोकेमॉन्स है ओरसर्क, एंड इलेक्ट्रिक भी है, और हमारा शैडो बीक वो भी अल्ट्रा शैडो बीक अब आ चुका है हमारे पास। भाई आई डोंट थिंक इसको पता भी है ब्रो, हमारे पास अल्ट्रा शैडो बीक इवॉल्व होके आ चुका है, इसकी बैंड बजने वाली है। हाँ दोनों इस एक्टिंग वैक्टिंग करते रहो बेटा, हमारे सामने कुछ नहीं चलने वाला अभी तुम्हारा, दो मिनट दो खाली गाइस। चलो भाई शैडो बीक आ जाओ, दिखा दे अपना रियल पावर ओरसर्क को। भाई सबसे पहले ही लीथल लेजर दे रहा है, वो दोनों का अटैक एक साथ होने वाला है, बूम बूम बूम। भाई हमारे अटैक्स भी बहुत पावरफुल आ गए हैं भाई, रुको भाई डिवाइन लेजर देते हैं अच्छे से अब, ठीक है। अरे यार नहीं यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस एंगल में देखना है मुझे, बट भाई डैमेज देखो भाई, कितना डैमेज। ओ भाई ये अटैक देखो भाई, भागना पड़ेगा इस अटैक से, तो भाई ये अटैक बहुत पावरफुल है उसका, बट हमारे भाई देखो भाई 600 डैमेज ब्रो एक अटैक में, और ये देखो भाई 6-8 डैमेज। ओ भाई आ गई भाई डिवाइन लेजर 2 था ये वाला, एंड वी हैव लीथल लेजर अगेन। आई थिंक खत्म है गाइस अभी और सर, नहीं नहीं अबे लगा नहीं भाई, मिस हो गई काफी सारी। ओ भाई अल्ट्रा शैडो बीक थोड़ा सा इसके है ना गाइस एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा मुझे। चलो आ जाओ भाई लीथल लेजर एक और बार, हर जगह से गाइस लेजर पड़ते हुए। अबे झटका मार दिया इसने मुझे, तेरी तो झटका झटका मारेगा तू है, झटका मारेगा। डिवाइन डिजास्टर 2 मारते हैं, आ जाओ इस बार इसको भाई। शैडो बीक की गाइस खत्म भाई, मैं अभी जस्ट बोलने वाला था गाइस स्टैमिना की बात करें तो इतना ज्यादा स्टैमिना है इस अल्ट्रा शैडो बीक में, क्योंकि ये बहुत हैवी अटैक्स है जो ये कर रहा है गाइस। भाई मैं बता रहा हूँ इवॉल्व करने के बाद पोकेमोन की एक अलग ही लेवल एबिलिटीज बढ़ जाती है, तो भाई आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। एक बार गाइस अल्ट्रा शैडो बीक को अच्छे से देखो, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल दिखने में लग रहा है। आसपास देखो गाइस बहुत सारे फायरफ्लाइज घूम रहे हैं, मेरी सबसे बेस्ट टाइम टू गिव अ आउट्रो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो अल्ट्रा शैडो बीक गाइस, एंड अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है गाइस कौन से और पोकेमॉन्स आप लोग इवॉल्व करते देखना चाहते हो, एंड ऑल्सो अगर आप वो लुकारियो वाली चैलेंज देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस टुडेस एपिसोड, आई होप यू विल एंजॉय, डू लीव अ लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं कल सुबह को 8:30 बजे एक नए एपिसोड के साथ, 90,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है। लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा देना, अगर यहां तक देख ही रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन कर देना। लव यू ऑल, बाय, सायोनारा, बाय।